कविराज एक कवि हैं जिनकी दो लाइन मेरी इस स्टोरी के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हैं, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं मगर यकीन मानिए उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। टाइटल, थंबनेल और ये दो लाइन सुनने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हेलो जी, मेरा नाम राहुल है एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय पेट। जो लोग मुझे बहुत पहले से देखते आ रहे हैं उन लोगों को पता है आई हैव ए पेट। जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि मेरे पास एक पेट है जो कि एक ग्रीन पैरट है और उसका नाम है इट्स बॉय नवाब। जिससे पहले हम स्टोरी में आगे बढ़ें, लेट मी जस्ट क्लियर टू थिंग्स। पहली ये कि मैंने मास्क क्यों लगाया हुआ है जबकि मैं एक बंद कमरे के अंदर हूँ, तो पहले इसको क्लियर करते हैं। एंड सेकेंड जो थिंग है वो ये है, जो ये नवाब की जर्नी है, ये नवाब जब मेरे पास आ गया था उसके बाद की है। उससे पहले इसकी एक रेस्क्यू स्टोरी है जो कि हम किसी और वीडियो में किसी और दिन कवर करेंगे। तो चलिए अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो भैया ये कहानी शुरू होती है 26 मई 2020 से, जब नवाब पहली दफ़ा हमारे घर आए थे। तब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगते थे बल्कि एक मांस के टुकड़े जैसा वो दिखाई पड़ते थे। तब की मैंने कुछ तस्वीरें खींची हैं, आप ये देखें। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जो पहली चीज़ है वो है फूड। इनके माँ बाप इनको क्या खिलाते थे आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। अब फीडिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई थी। तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो पैरट होते हैं वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो अब नॉनवेज हमारे फूड से हट चुका है, अब है सिर्फ वेज। तो पहली बार हमने इसको खिलाने के लिए ट्राई किया आटा। आटे को थोड़ी सी पानी में भिगोया और इसके मुंह में डाला, क्योंकि ये खुद एलिजिबल नहीं था उसको खाने के लिए, इसलिए हमने इसके मुंह में डाला। तो आटा जो इसके मुंह के अपर साइड में वो चिपकने लग गया, जिससे इसको निगलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आटे को हमने इसके डाइट प्लान से हटा दिया। अब बारी आती है चावल की। तो चावल खाने में भी ये डिसेबल रहा, हमने चावल के साथ भी प्रैक्टिकल करा, ये चावल भी नहीं खा पाया। देन हमने गेहूँ भिगोए, गेहूँ पीसे, न उसको आटा बनाया न उसको गेहूँ रहने दिया। जो बीच की मिडिल स्टेज होती है उसको हमने इसको खिलाना शुरू करा और ये उसे बड़े चाव से खाने लगा। तो अब फूड की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी थी। जब अच्छा खाना नवाब साहब को मिल रहा था तो उनकी ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से हो रही थी और महज 15 से 30 दिन के अंदर इनके हरे पंख भी आना शुरू हो गए थे। आप लोग ये मत समझना कि मैं इसको खिला रहा हूँ, क्योंकि खिलाता कोई नहीं है, सब अपने नसीब का खाते हैं। अब एक चीज नवाब की जो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही थी, चाहे आप इसे फनी इंसिडेंट कह लो, लेकिन मेरे को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि भैया लॉकडाउन का समय है, नॉन वर्किंग डेज है, कुछ करने के लिए है नहीं। हम अपने गाँव में रहते थे। जो पक्षियों की फितरत होती है कुदरती कुछ ऐसी होती है कि सुबह 4 बजे उठ के उनके अंदर चाबी भरी होती है कि तुमने चिल्लाना है, चूँ चूँ तुमने करना है और दूसरे की नींद हराम तुम्हें करनी ही करनी है। लॉकडाउन का टाइम, न कुछ करने के लिए, कॉलेज स्कूल सब बंद, दिन काटने मुश्किल हो रहे थे। ऊपर से नवाब साहब हमको 4 बजे उठा दिया करते थे। मुझे पूरे लॉकडाउन में अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे चिड़ी करती है ट्रुई ट्रुई करके हमारी नींद हराम होती गई। काफ़ी लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं, DM आते हैं, कमेंट सेक्शन में वो लिखते हैं प्लीज़ फ्री योर पैरेट, फ्री योर पैरेट, आपने उसे कैद करके क्यों रखा हुआ है। तो उनके लिए ये किस्सा मैंने इस कहानी में जोड़ा है। तो ये स्टोरी है 20 जुलाई 2020 की। तब नवाब साहब 3 महीने के थे
तो शाम 3 बजे की बात है, मैंने नवाब को अपने इस कंधे पर बैठाया और खुले आसमान के नीचे नवाब और मैं दोनों टहलने चले गए। अब नवाब फ्री है, कभी भी उठ सकता है कभी भी नहीं, लेकिन वो नहीं उड़ा। जब उसने कुछ फुट स्टेप की आवाज़ सुनी तब वो सहम सा गया और तब जाके उसने अपनी पहली उड़ान भरी। अब उस रात नवाब घर नहीं लौटा, बहुत कड़ाके की बारिश हो रही थी और वो रात गुजर गई। सुबह उठ के हम अपने अपने कामों में लगे थे। तो शुभम शेट्टी गढ़वाली हीरो जो अपने भाई हैं, अब ये कौन है, इफ़ यू नो यू नो। तो उन्होंने सुबह देखा कि हमारे जो नियरेस्ट एक खेत था उसमें नवाब साहब बड़े सहमे से भीगे पंखों के साथ बैठे हुए थे। अब जैसे ही नवाब साहब को घर लेके आए, वो काफ़ी ज़्यादा भूखे थे, उनके सामने हमने खाना रखा और वो ऐसे खा रहे थे जैसे कि कितने सालों के भूखे हों। तो इसलिए हम उसको अब उड़ाते नहीं हैं, उड़ने के लिए उसके लिए एक अलग सी जगह है और खाना वो हमारे साथ ही खाता है। इसलिए हम नवाब को फ्री नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है उसका अंत क्या होने वाला है। और आज के दिन नवाब कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि नवाब के ऊपर वीडियो बने। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर नवाब के ऊपर वीडियो बन रही है और नवाब उस व्लॉग में नहीं है तो फिर वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं बना। तो इसलिए हम आप लोगों को दिखाएंगे कि नवाब की आजकल की जो हालत है, हालत मतलब ऐसे पस्त नहीं है, एकदम मस्त है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत कीजिए इट्स बॉय नवाब का। तो भैया ये है हमारे नवाब साहब, इट्स बॉय नवाब, ठीक है। और अब ये कुछ इतने बड़े हो चुके हैं, हाँ डर रहे हैं, और इनकी जो पूंछ है वो कानून के हाथों से भी लंबी हो चुकी है। ओह माय गॉड, ओहो सही है। तो अब जो नवाब की अपडेट्स हैं वो इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। जब एक और लंबी जर्नी हो जाएगी तब आप लोगों को इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो देखने को मिलेगी। फिलहाल मतलब इंस्टाग्राम पे सही रहेगा, ठीक है ना। देखिए बोलता भी है, सुनाई दे रहा है आप लोगों। तो भैया ये था मेरी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा। आई होप इस किस्से ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी हो। एंड वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मोटिव था वो ये है कि चाहे आपसे जितना हो पाए अपने लेवल पर आप हेल्प करें, वो इंसान हो या जानवर हो। मैं नवाब को जब इस कंडीशन से इस कंडीशन तक ला सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। संजय दत्ती हूँ जी मैं। The sun is going down now, been at it for a while, and I have had enough of this. I doubt that we can solve it, been trying for so long, and I just can't ignore that it won't ever be the same.